खबर संसद के विशेष सत्र को लेकर है। मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाया। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा, जिसे लेकर विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है, इसको लेकर सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इस एजेंडे को बताए। इसको लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि विपक्ष को विशेष सत्र के एजेंडा के बारे में जानकारी नहीं है। आमतौर पर विशेष सत्र से पहले बातचीत होती है और आम सहमति बनाई जाती है। इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है और सहमति बनाने की कोशिश होती है। ये पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है और एजेंडा तय नहीं है, ना ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया। सोनिया ने कहा कि इस विशेष सत्र के पांचों दिन सरकारी बिजनेस के लिए एलोकेट किए गए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में 9 मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने चिट्ठी में बताया कि विपक्ष इन 9 मुद्दों पर चर्चा चाहता है, जिनमें महंगाई, MSME, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी मुद्दे पर JPC की मांग, जाति जनगणना, केंद्र राज्य संबंध, चीन बॉर्डर और सामाजिक सद्भाव शामिल है। पहला मुद्दा, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी, असमानताओं में वृद्धि और MSME के संकट पर ध्यान केंद्रित करने वाली। दूसरा मुद्दा, MSP को लेकर सरकार द्वारा किसान और किसान संगठनों को किए गए वादे। तीसरा मुद्दा, अडानी समूह पर खुलासे की जांच को लेकर JPC जांच। चौथा मुद्दा, मणिपुर के लोगों की पीड़ा और राज्य में संवैधानिक तंत्र और सामाजिक सद्भाव का टूटना। पांचवा मुद्दा, हरियाणा जैसे राज्यों में सांप्रदायिक तनाव। छठा मुद्दा, चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जारी रखा गया और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई। सातवां मुद्दा, जाति जनगणना की अर्जेंट जरूरत। आठवां मुद्दा, केंद्र राज्य संबंधों को पहुंचाया जा रहा नुकसान। नौवां मुद्दा, कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़ और कुछ में सूखे के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रचनात्मक सहयोग की भावना से इन मुद्दों को आगामी विशेष सत्र में उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया अलायंस गठबंधन ने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र को बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मौका है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाए। सोनिया गांधी के इन 9 मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।